हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपको बताऊंगा कि ये जो कोस्मोस का जो एयर ड्रॉप है, जो जब भी आप एटम, जूनो और ओस्मो या कुछ और जो कोस्मोस इकोसिस्टम का जो भी टोकन है वो अगर आप स्टेक करते हो केपलर वॉलेट के अंदर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर, किस प्रोजेक्ट के ऊपर एयर ड्रॉप आया है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा और उस वेबसाइट पे चल के आप अपने आप से खुद ही देख लीजिए किस प्रोजेक्ट का क्या एड्रॉप आया है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि यू नो नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और जो भी नॉलेजेबल वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले आए। एनीवे, आप जो भी नए बंदे हैं उनसे गुजारिश है कि विदाउट सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन के ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर देखेंगे सब्सक्राइब करके तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, ठीक है? तो चलते हैं फ्रेंड्स पता करने के लिए कि कॉस्मोस के ऊपर क्या क्या एड्रॉप आए हैं, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कौन सी वेबसाइट है। तो वेबसाइट का नाम है कॉस्मोस एड्रॉप्स। एड्रॉप नहीं है दोस्तों, किसी गलत साइट पे मत जाना। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट का यूआरएल मैं क्लिप कर दूं, ठीक है? तो जो कॉस्मोस एड्रॉप्स.io के ऊपर जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे क्लेमेबल है, अपकमिंग है, आर्चीव है और अबाउट है। देखिए, अब इसके ऊपर कहीं पे भी आप जाते हो, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले जो अपना ये यहां पे रख लेता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लेमेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जो क्लेमेबल का मतलब अभी जो क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है? अब मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो क्लेमेबल की लिस्ट में है। देखो कितने सारे हैं, ठीक है? ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने क्लेम करना है, समझ लो कि न्यूज दाओ है, ये करना है आपने, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओपन होने के बाद इसमें अपना केपलर का वॉलेट अटैच करेंगे, ठीक है? कनेक्ट वॉलेट करके यहाँ पे ऑप्शन आए, तो केपलर वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट केपलर वॉलेट हो कैसे नहीं रहा, ठीक है? यहाँ से कर लेते हैं, किसी कारण से हो नहीं रहा फ्रेंड। हो सकता है जो क्लेम खत्म हो गई हो, इस वजह से हो नहीं रहा है कनेक्ट। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, कनेक्ट वॉलेट कैपलर नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसको छोड़ देते हैं, किसी और को देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ब्लैक होल पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपने इज नॉट अवेलेबल एक्सटेंशन इज केपलर गई कहां? माय गॉड, केपलर ही गया भाई आसित को। एनीवे, कोई बात नहीं, मेरी एक्सटेंशन शायद यहां से उड़ गई है किसी वजह से। एनीवे, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, एक काम करते हैं कि यहां पे जब भी आप अपना जो केपलर वॉलेट डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद यहां पे कनेक्ट वॉलेट लिखे करेंगे। जब आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे, कनेक्ट वॉलेट के बाद आपके पास यहाँ पे क्लेम एयरड्रॉप, मतलब यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपके आपको कितने एयरड्रॉप के टोकन मिले हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि आप ये पता चल जाएगा आपको कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है? और भी ये बहुत सारे हैं, कहीं पे भी जाके आप देख सकते हो। सबसे बस ये एक चीज जरूर देखने की है, मैं आपको बता दूं, इसमें जब भी आपने, जैसे आपने अक्टूबर में किया है, जैसे न्यूज़ दाओ में आपने अगर सितंबर में किया होता, तो अभी सितंबर ही चल रहा है, तो क्लेमेबल है जिसने सितंबर में ये स्टेक किए हैं। क्या स्टेक किए हैं? जूनो, ठीक है? 104 से ऊपर किए हैं, ठीक है? वो क्लेम कर सकता है। जिसके पास 100 है वो भी नहीं कर सकता। तो अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो।
ठीक है, और क्लेमेबल है 15 सितंबर से टिल नाउ तक, अंटिल का डेट नहीं है, तो अभी भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो है वॉलेट है नहीं, इसलिए मैं कर नहीं सकता। तो ऐसे ही रीबस का है, आप रीबस में जाके कर सकते हो। इसमें क्राइटेरिया 15 सितंबर में जिसने स्टेक किया था, ठीक है, एटम, ओस्मो एंड एमोस, तो इसमें से तीनों में से आपका कुछ भी क्राइटेरिया फिल होता है तो फ्रेंड आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप और नीचे जाते हो तो मीम कॉइन है या कुछ जिलेटो है, जिलेटो का है कि अगर आपके पास स्टार्स है 1000 स्टार्स होने चाहिए और 100 ओस्मो होने चाहिए, 100 से ऊपर, SCRT 100 होने चाहिए, जूनो 50 होने चाहिए, और NETA आपके पास हाफ भी होगा तो चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये आया था WYND का एड्रॉप आया था, तो यहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हो। 6 जून से पहले पहले जिसने करी थी, 6 जून को स्टेकिंग करी थी, तो वहां पे वहां से है। जो इसमें ये भी स्नैपशॉट कब लिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर किसी का, तो स्नैपशॉट जब भी लिया गया था तो उस समय आपके जो जो है टोकन स्टेक्ड होने चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखना कब ली गई थी स्नैपशॉट, ठीक है, उसके बाद ही आप अपने क्लेम कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें जैसे WYND का था जूनो, इसके पास डेलीगेशन होने चाहिए, रीजन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है फिलहाल, बस जूनो और ओस्मो एंड रीजन, इनमें से कोई सा भी है तो आपको एड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो। और जो मेन बात है, इन प्रोजेक्ट के साथ साथ आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ रहे होंगे इसके ऊपर, तो अपकमिंग में जाइएगा। ठीक है, अपकमिंग में जाओगे तो आपको बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जो आने वाले हैं, उनके ऊपर नजर रखना, इनका टेलीग्राम ज्वाइन करना और काफी चीजें हैं नजर रखना मतलब इनके ऊपर। तो जैसे अभी चेन फॉर एनर्जी है, ठीक है, हार्बर प्रोटोकॉल है, और सुपरनोवा है, एवमोस डोमेन है, और इंस्पायर रेस्ट है, कासा दाओ है, और स्टेक इजी है, और जेडॉक प्रोटोकॉल है, लूप फाइनेंस है, तो और बहुत सारे, देखो ऐसे पूरी लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो समझ लो कि अगर आपने लॉन्ग टर्म से और अच्छी क्वांटिटी में एटम जिसको कॉस्मोस भी बोलते हैं, और जूनो और ओस्मोटो, ये तो तीन मेन जो है कॉइन है, इनको अगर आप अपने वॉलेट में रखते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो सकता है, बिकॉज एयरड्रॉप आप देख रहे हो कितनी सारी आ रही हैं इसके ऊपर, और पता नहीं कितने हजारों प्रोजेक्ट ऑनलाइन मतलब लाइन के अंदर होंगे। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे आपको स्टेकिंग के रिवार्ड मिलते जाएंगे, जो जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उसको अच्छे मिलेंगे, जिसके पास स्टेकिंग ज्यादा है उसको अच्छे मिलेंगे। तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म होल्डर और स्टेकिंग ज्यादा रखते हैं तो समझ लो कि उनकी चांदी होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था, आपको सही लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगे तो इट्स फाइन, कुछ मत करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।